अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को खलक कर लिया तो फरिश्तों को बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर आदम क्या जानता है जो हम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत बीबी हव्वा को हज़रत आदम की दाई पसली से पैदा किया। उस वक़्त हज़रत आदम सोए हुए थे, फिर पसली की जगह को गोशत से पुर कर दिया। जब हज़रत बीबी हव्वा की तख्लीक हो गई तो फरिश्तों ने सोचा कि वो हज़रत आदम के इल्म का जायज़ा लें। बस उन्होंने हज़रत आदम से पूछा, ए आदम, इसका नाम क्या है? अगरचे अल्लाह ताला ने तुम्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए हैं, बस हमें बताओ कि इसका नाम क्या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका नाम है हव्वा। फरिश्तों ने फिर सवाल किया और कहने लगे, ए आदम, इसको हव्वा क्यों कहते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसको हव्वा इसलिए कहते हैं कि इसे जिंदा से पैदा किया गया। और हज़रत हव्वा की तख्लीक को अल्लाह ताला कुरान मजीद में यूं बयां करता है, खुदा ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसके जोड़े को बनाया ताकि उससे वो राहत हासिल कर सके।